हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ जेवीज आईएस। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आईआर थ्रू मैप सीरीज लेक्चर नंबर 6। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में, जो कि आपके प्रिलिम्स 2023 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो जो लास्ट 1 ईयर में जो भी न्यूज़ रही हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो आपके प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टॉपिक इज बांग्लादेश ओपन्स पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज। ओके, सो अब ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के हिसाब से भी। सो बांग्लादेश ने ओपन किया है पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज, तो ये हम देखने वाले हैं। देन बांग्लादेश ऑफर्स चित्तगोंग पोर्ट यूज टू इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट इंडिया के लिए। देन रिबूटिंग रेल लिंक बाय इंडिया बांग्लादेश, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुशी रया रिवर पर जो पैक्ट साइन हुआ था वाटर शेयरिंग से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो सबसे पहला जो कॉन्टेक्स्ट है, बांग्लादेश ओपन्स पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज, कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज़ का? नो, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इन्होंने इनॉग्रेट किया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो पद्मा ब्रिज रिसेंटली, लास्ट ईयर ओनली। ओके, ये आप देख सकते हैं पिक्चर पद्मा ब्रिज की। ओके, सो दिस इज पद्मा ब्रिज। क्लियर एवरीवन? नाउ अब सबसे पहली चीज़ कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो पद्मा ब्रिज से जुड़े हुए हैं। लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये बांग्लादेश का। ओके, नाउ इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल सिटी ऑफ ढाका टू मोंगला सी पोर्ट। ओके, जो कि डिस्टेंस जो है ढाका से मोंगला सी पोर्ट का, वो कम हो जाएगा। एंड ये जो सी पोर्ट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रीजनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। हियर यू कैन सी दिस लोकेशन, मोंगला सी पोर्ट, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये मोंगला सी पोर्ट है। क्लियर? सो दिस प्रोजेक्ट वॉज इनिशियली एक्सपेक्टेड टू बी फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक। तो इनिशियली ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक को फंड करना था, बट 2012 में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स ने कहा कि अब उनके पास कुछ क्रेडिबल एविडेंस हैं कि बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा करप्शन है, इसीलिए बांग्लादेश हैज़ ऑल थ्रू डिनाइड दीज एलिगेशंस। तो बांग्लादेश ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया और तब कहा कि अब हम किसी भी इंटरनेशनल ग्लोबल लेंडर के पास नहीं जाएंगे फंडिंग के लिए। ओके, कंस्ट्रक्शन इसीलिए डिले हो गई क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर फॉल्स एंड कॉन्स्पिरेशनल एलिगेशन लगे थे करप्शन के, जो कि वर्ल्ड बैंक ने लगाए थे। क्लियर? एंड विच वॉज द मेन फाइनेंसर ऑफ द प्रोजेक्ट? वर्ल्ड बैंक के साथ ही साथ और भी फाइनेंसर थे, लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड जापान। क्लियर? तो ये बेसिकली बांग्लादेश का एक मेगा प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली फाइनेंस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। क्लियर? नाउ बेनापोल लैंड पोर्ट एंड पायरा लैंड पोर्ट, इससे इन दोनों पोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर पद्मा ब्रिज बन जाता है। तो ये जो ब्रिज है, इसकी पूरी जो याद रखिएगा डिस्टेंस है, वो कवर करेगा 6.15 किलोमीटर्स का। 6.15 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ओके, एंड रेलवे वायडक्ट जो है 0.532 किलोमीटर्स लॉन्ग है। क्लियर? नाउ अब पायरा सी पोर्ट की आप लोकेशन देख सकते हैं, पायरा सी पोर्ट। ओके, हियर पायरा सी पोर्ट। सबसे पहले हम मोंगला पोर्ट की बात कर लेते हैं। अब ये जो मोंगला पोर्ट है, दिस इज लोकेटेड इन बगेर हाट। ये कहाँ पर लोकेट है? बगेर हाट। बगेर हाट इंपॉर्टेंट है किस लिए? रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बेसिकली ये पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? बगेर हाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, एंड दिस पोर्ट लाइज 62 किलोमीटर नॉर्थ। ये पोर्ट कहाँ पर लाई करता है? 62 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बे ऑफ बंगाल, याद रखिएगा कोस्ट लाइन। क्लियर एवरीवन? नाउ अब ये पोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? दिस पोर्ट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर? कौन सी रिवर है यहाँ पर? तो याद रखिएगा पासूर एंड मोंगला रिवर। मोंगला इज द नेम ऑफ रिवर, समझ में आ रहा है? सो दिस पोर्ट इज सर दिस पोर्ट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पासूर रिवर एंड मोंगला रिवर।
ओके, नाउ दिस पोर्ट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय सुंदरबन, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा ज्योग्राफी में. सो दिस पोर्ट इज सराउंडेड सराउंडेड बाय सुंदरबन मैनग्रूव फॉरेस्ट. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो मोंगला इज द सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट इन बांग्लादेश आफ्टर चित्तगोंग. फर्स्ट लार्जेस्ट सी पोर्ट कौन सा है? चित्तगोंग है. सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है, याद रखिएगा, मोंगला आफ्टर चित्तगोंग. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंस है इसकी. नाउ इसकी इंपॉर्टेंस एक और मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इट विल ऑल्सो बूस्ट कनेक्टिविटी इन BBIN. तो उस दिन हमने इंडिया नेपाल रिलेशन में एक प्रोजेक्ट समझा था, ये बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था. तो इससे याद रखिएगा BBIN की कनेक्टिविटी भी बूस्ट होगी. क्लियर, इससे इंडिया भूटान एंड नेपाल के बीच में ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा. समझ में आ रहा है? सो अब जो कंजेशन होता है, क्योंकि चित्तगोंग फर्स्ट याद रखिएगा लार्जेस्ट पोर्ट है, तो जो कंजेशन होता है, जो ट्रैफिक होता है, याद रखिएगा चित्तगोंग पोर्ट का, उससे क्या होगा याद रखिएगा, तो उससे जो कंजेशन है वो थोड़ा कम होगा अगर हम मोंगला पोर्ट को ऑल्टरनेटिव बना दें तो. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मोंगला पोर्ट. क्लियर, तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ये चीज़ समझ ली है. नाउ नेक्स्ट जो न्यूज़ में था वो याद रखिएगा चित्तगोंग पोर्ट. नाउ बांग्लादेश ने चित्तगोंग पोर्ट याद रखिएगा ऑफर किया है इंडिया के यूज़ के लिए. अब चित्तगोंग पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे. तो बांग्लादेश रिसेंटली ऑफर्ड इट्स मेन पोर्ट, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, क्लियर, इंडिया को ऑफर किया है. ओके, चित्तगोंग पोर्ट किसको? इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, आसाम एंड त्रिपुरा, ताकि जो कनेक्टिविटी है दोनों नेबरिंग कंट्रीज के बीच में उसको बढ़ाया जा सके. क्लियर, चित्तगोंग पोर्ट को हम याद रखिएगा छतोग्राम पोर्ट भी बोलते हैं. क्लियर एवरीवन, तो पहले हम चित्तगोंग पोर्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. चित्तगोंग पोर्ट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश, लोकेटेड इन द रीजन ऑफ चित्तगोंग हिल ट्रैक्स. ओके, नाउ अब ये सी के पास में है, तो सी के प्रॉक्सिमिटी काफ़ी क्लोज है चित्तगोंग की नॉर्थ ई. अब दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी काफ़ी, इंडियन स्टेट से भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए ये जो पोर्ट है, द पोर्ट फैसिलिटी हैज़ बीन पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इससे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की जो ट्रेड एंड कॉमर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी. एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स जो हैं वो भी ग्लोबल शिपिंग लेन्स को एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर, नाउ अर्लियर इन द ईयर 2010 इंडिया और बांग्लादेश ने एक MOU साइन किया था कि याद रखिए कि यूज़ करने दिया जाए चित्तगोंग एंड मोंगला पोर्ट जो है बांग्लादेश के, किस लिए? मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए. समझ में आ रहा है? फ्रॉम इंडिया एंड टू बांग्लादेश, टू एंड फ्रॉम इंडिया. क्लियर, ताकि इंडिया उन पोर्ट्स को यूज़ कर सके. तो इसीलिए इन पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. क्लियर, तो अब हम बात करते हैं चित्तगोंग हिल ट्रैक्स की. अब ये क्या है? ये एक फॉरेस्टेड एरिया है, ये एक फॉरेस्टेड एरिया है दैट स्प्रॉल्स ओवर मोर देन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ खागराचरी, रंगमाती एंड बंदरबान डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश, जो कि बॉर्डर करता है मिजोरम को ईस्ट से एंड त्रिपुरा को नॉर्थ से एंड म्यांमार टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट. क्लियर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है. देन ट्राइबल पॉपुलेशन जो है चित्तगोंग हिल ट्रैक की, इनके एथनिक लिंक्स हैं ट्राइबल पॉपुलेशन जो एडजेसेंट एरियाज हैं बेसिकली इंडिया, मेनली मिजोरम स्टेट के, उनके काफ़ी ज़्यादा लिंक है. तो क्योंकि मिजोरम याद रखिएगा 318 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ. अब ये चित्तगोंग पोर्ट है क्या? चित्तगोंग पोर्ट को मैंने आपको बताया, दिस पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज छतोग्राम पोर्ट. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश. कहाँ पर है? लोकेटेड इन चित्तगोंग हिल ट्रैक्स. क्लियर, दिस इज द मेन सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कर्णफुली रिवर. किस रिवर पे लोकेटेड है ये पोर्ट? याद रखिएगा कर्णफुली रिवर. अब बेसिकली चित्तगोंग पोर्ट की एंशियंट इंपॉर्टेंस भी है. क्यों? कहा जाता है कि दिस पोर्ट ऑफ चित्तगोंग वॉज नोन एज शेतगांग. इसको शेतगांग बोला जाता था इन 4th सेंचुरी BC. और कहा जाता है ये पोर्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर शिप्स आते थे मिडल ईस्ट एंड चाइना से, बिकॉज एट दैट टाइम सिल्क रूट एंड स्पाइसेस ये सारी चीज़ें जाते थे. तो कहा जाता है ऑलमोस्ट 90% ऑफ बांग्लादेश एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैंडल कौन सा पोर्ट करता है? चित्तगोंग पोर्ट. क्लियर, तो कहा जा रहा है कि कॉलोनियल एरा में भी चित्तगोंग पोर्ट
कहा जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट था ईस्टर्न इंडिया का, जिसके थ्रू कार्गो जो है कैरी किया जाता था टू द बॉर्डर्स ऑफ म्यांमार थ्रू रेलवेज एंड रोडवेज। समझ में आ रहा है? सो अब पोर्ट्स के बाद रेलवेज और रोडवेज के थ्रू जाता था। नाउ ड्यू टू द सी पोर्ट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स, ये पोर्ट इसीलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास है। समझ में आ रहा है? इससे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में याद रखिएगा काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? अब ये चीज याद रखिए, नाउ दिस पोर्ट इज नियर बाई टू इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो अब अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द बिजनेस इन नॉर्थ ईस्ट, पार्टीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था नॉर्थ ईस्ट पर? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं, इंडियाज नॉर्थ ईस्ट दे हैड इजी एक्सेस टू द सी पोर्ट्स, स्पेशली चित्तगोंग पोर्ट जो है। समझ में आ रहा है? तो आज ये बांग्लादेश में है। ओके, अब किस रिवर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है इस पोर्ट को नॉर्थ ईस्ट से? तो नॉर्थ ईस्ट से याद रखिएगा इस पोर्ट को एक्सेस किया जा सकता है विच रिवर? ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड बराक रिवर, बराक रिवर। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इंडिपेंडेंस से पहले भी ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर के थ्रू इसे एक्सेस किया जाता था। अब इन रिवर से क्या क्या चीजें ट्रेड की जाती थी, क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती थी? तो कहा जाता है इन रिवर्स के थ्रू टी भेजा जाता था, है टिम्बर, ओके ऑयल, ये सारी चीजें कोल ट्रांसपोर्ट की जाती। समझ में आ रहा है? तो लोकल लेवल जो बॉर्डर ट्रेड थी, इसने अनडिवाइडेड आसाम, मतलब 1950 से पहले, आसाम के डिवीजन से पहले अनडिवाइडेड आसाम का जो स्टेटस था वो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम में आता था अर्ली 1950s तक। समझ में आ रहा है? तो ये जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है ये याद रखिएगा कब से कम होने लगा, जैसे ही 1965 का वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, बिकॉज एट दैट टाइम बांग्लादेश वॉज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर? तो 1965 का जो वॉर था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ दिस वॉर, इस वॉर की वजह से याद रखिएगा कि जो एक्सेस थी वो बंद कर दी गई थी। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा समझना। क्लियर? देन 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट होता है, उस टाइम पीरियड में भी ट्रेडिशनल रिवर जो थी जिनके थ्रू ट्रेड होता था, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर चित्तगोंग पोर्ट के थ्रू, उसको रिवाइव नहीं किया गया। समझ में आ रहा है? तो अब आज इन चीजों की बात की जा रही है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नाउ अब नेक्स्ट जो न्यूज थी, रिबूटिंग ऑफ रेल लिंक बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कोविड के बाद, दैट मींस आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ कोविड, ओके 2 ईयर्स आफ्टर दे वर स्टॉप्ड ड्यू टू द कोविड आउटब्रेक। तो कोविड आने से पहले, 2 साल पहले, पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज चली थी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये कोविड के टाइम पीरियड में स्टॉप बंद कर दी गई थी एंड अब फिर से इनको रिज्यूम करने की बात करी गई है। समझ में आ रहा है? तो अब याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली पहले तो हमें पता होना चाहिए ऐसी कौन कौन सी ट्रेन हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस जो है ये शुरुआत हुई थी कैलकाटा एंड खुलना के बीच में वाया पेट्रापोल एंड बेनापोल, ये जो बॉर्डर रूट है कब से शुरू हुआ? 2008। देन बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस रेल लिंक बिटवीन कैलकाटा एंड खुलना वॉज सर्व्ड बाय बरिसाल एक्सप्रेस इन 1965, और बाद में ये बंद हो गया बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर। अब ये रूट फिर से रीस्टार्ट किया गया 2017 में, बंधन एक्सप्रेस। देन मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस रिसेंटली इनॉग्रेट की गई थी। सो इट विल कनेक्ट न्यू जलपाईगुड़ी जो नॉर्थ बंगाल में है, और ढाका से इसको कनेक्ट किया गया। क्लियर? नाउ दिस ट्रेन इज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू ढाका इन 2021। क्लियर? अब जो रेल लिंक है हल्दी बारी एंड चिलाहटी रेल लिंक 2021 में दोनों ही साइड्स, मतलब बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, दे स्टार्टेड रेगुलर मूवमेंट ऑफ फ्रेट ट्रेन, रेगुलर मूवमेंट शुरू किया फ्रेट ट्रेन का। ओके, जो न्यूली रिस्टोर्ड लिंक थे बिटवीन हल्दीबारी, हल्दीबारी कहाँ पर है? इंडिया में, एंड चिलाहती बांग्लादेश। तो ये जो हल्दीबारी चिलाहती रेल लिंक है ये इंडिया और उस समय ईस्ट पाकिस्तान के
बीच में ऑपरेशनल थे 1965 तक, बट बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ 1965 वॉर. ओके, सो दिस रेल लिंक वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रॉड गॉज, क्योंकि मेन रूट कवर करता है फ्रॉम कैलकटा टू सिलगुड़ी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके अलावा अब फाइव रेल लिंक्स कौन कौन से हैं, तो ये याद रखिएगा, जिन्हें रिबूट किया जा रहा है. तो फाइव रेल लिंक्स लाइक पेट्रा पोल इंडिया में, बेनापोल बांग्लादेश, देन गेडे इंडिया, दर्शना बांग्लादेश, देन सिंघाबाद इंडिया, रोहनपुर बांग्लादेश, देन राधिकापुर इंडिया, बिरोल बांग्लादेश, हल्दीबारी एंड चिलाहती. तो ये फाइव रेल लिंक्स हैं जिन्हें रिबूट किया गया है. अब रेलवे पीएसयू जो है कॉनकॉर, दे ऑल्सो स्टार्टेड कंटेनर कार्गो. ओके, अब कंटेनर कार्गो प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए इन्होंने शुरू किया है, ताकि कंज्यूमर गुड्स को फास्ट पेस से लाया जा सके. क्लियर. एंड इन 2021 ईस्टर्न रेलवे जो है, ईस्टर्न रेलवे फैसिलिटेटेड इम्पोर्ट ऑफ डी ऑयल सोया केक्स. तो ईस्टर्न रेलवे ने इम्पोर्ट किए थे डी ऑयल सोया केक्स, कहाँ से, बांग्लादेश से. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वॉज देयर इन द न्यूज़, दैट इज कुशी रया रिवर वाटर शेयरिंग. यस, सो पैक्ट वॉज साइंड ऑन कुशी रया रिवर वाटर शेयरिंग. तो कॉन्टेक्स क्या है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इन्होंने 7 MOUs साइन किए ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू वाटर शेयरिंग, रेलवे, स्पेस, साइंस एंड जुडिशरी. ये कॉन्टेक्स्ट है. अब हम समझेंगे सबसे पहले कुशी रया रिवर के बारे में. अब ये कुशी रया रिवर है क्या? रिवर कुशी रया ये डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है बांग्लादेश एंड आसाम. क्लियर. तो अभी मैं बताऊंगा कैसे ये रिवर फॉर्म होती है. ओके, डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है ये, याद रखिएगा. अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है. क्लियर. सो इट फॉर्म्स ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. ये रिवर फॉर्म होती है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, आप देख सकते हैं. क्लियर. सो यू कैन सी हियर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. ओके, सो दिस इज एज ए ब्रांच ऑफ बराक रिवर. ओके, ये एक ब्रांच है बराक रिवर की. सो व्हेन बराक रिवर सेपरेट्स इनटू कुशी रया एंड सूरमा, तो जब बराक रिवर सेपरेट करती है तो दो रिवर्स में सेपरेट होती है, कुशी रया एंड सूरमा रिवर के फॉर्म में. नाउ द वाटर ऑफ कुशी रया ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ नागालैंड इन इंडिया. अब ये जो वाटर है कुशी रया का, दिस ओरिजिनेट इन विच स्टेट, नागालैंड इन इंडिया, एंड पिक अप ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम मणिपुर, मिजोरम एंड आसाम. और इनकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ से जुड़ती हैं, तो आप कह सकते हैं मणिपुर, मिजोरम एंड आसाम. तो जब, याद रखिएगा, आफ्टर फॉर्मिंग सेवरल ब्रेडेड स्ट्रीम्स, अगेन इट इट रीजॉइन बाय सूरमा रिवर. ये फिर रीजॉइन होती है सूरमा रिवर के साथ, जिसको लोकली बोला जाता है दानू रिवर. समझ में आ रहा है? एंड लेटर इट बिकम्स मेघना रिवर, और बाद में यही रिवर क्या बनती है, मेघना रिवर बनती है. क्लियर एवरीवन? तो ये मैप है रिवर का. ओके, तो अब ऐसे कौन कौन से अग्रीमेंट साइन हुए हैं अभी रिसेंटली. ओके, तो ये हमें पता होना ज़रूरी है. सो इंडिया एंड बांग्लादेश ने 7 MOU साइन किए हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक वाटर रिसोर्सेज. तो इंटरिम बायलैटरल अग्रीमेंट साइन किया गया वाटर शेयरिंग ऑफ कुशी रया रिवर. देन जुडिशरी में कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस किया जा रहा है कोर्ट्स के. देन रेलवेज के टर्म्स में, अब बांग्लादेश के रेलवेज के पर्सनल्स को ट्रेन किया जाए. देन अदर एरियाज लाइक स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इन सभी चीज़ों में MOUs साइन किए गए हैं. सो द टू PMs, दोनों ही PM ने जॉइंटली इनॉग्रेट किए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, लाइक पावर प्लांट, रेलवे ब्रिज एंड अदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स. तो अब ये जो इंटरिम अग्रीमेंट है कुशी रया रिवर वाटर शेयरिंग का, ये क्या है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 54 रिवर्स जो पास करती हैं थ्रू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. सो इंडिया एंड बांग्लादेश ने साइन किया हुआ है ऑलरेडी गंगा वाटर ट्रीटी इन 1996 फॉर द शेयरिंग ऑफ वाटर, गंगा वाटर्स, फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स. अब बांग्लादेश चाहता है कि जल्द से जल्द तीस्ता वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट उसको सॉल्व किया जाए. ओके, इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है, बट 2011 से ऑपोजिशन जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो अपोज कर रही है. क्लियर. यहाँ पर एक फेडरल इशू आ जाता है पॉलिटी का. क्लियर. क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्या है, एक फेडरल पॉलिटी है. समझ में आ रहा है? सो द करेंट अग्रीमेंट विल बेनिफिट सदर्न पार्ट्स ऑफ आसाम. तो ये जो कुशी रया रिवर वाटर शेयरिंग का है,
ये जो अग्रीमेंट है इससे जो सदर्न पार्ट्स हैं आसाम के उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ओके, एंड जो सिलहेट रीजन है बांग्लादेश का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कुछ चीज़ें, ऐसे ही जो तीस्ता रिवर है, तो तीस्ता रिवर याद रखिएगा मेजर ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो इंडिया के सिक्किम स्टेट से निकलती है। तो सबसे मेजर डिस्प्यूट कौन सा है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में वाटर शेयरिंग का? तीस्ता इशू, समझ में आ रहा है? नाउ दिस तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिक्किम। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सिक्किम से ओरिजिनेट करती है, समझ में आ रहा है? सो एंड इट रन थ्रू द नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल, ओके, देन कहाँ पर? याद रखिएगा वेस्ट बंगाल एंड देन बांग्लादेश। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब याद रखिएगा कुशीराया रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है बांग्लादेश एंड आसाम। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब हम कुशीराया रिवर की बात करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है, ये याद रखिएगा, ट्रिब्यूटरी मत लिखिएगा इफ अगर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन इन सभी टॉपिक में कुशीराया रिवर से ही पूछा जा सकता है आपसे, समझ में आ रहा है? सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कुशीराया रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर ऑफ इंडिया। सेकेंड, इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ बराक रिवर। देन थर्ड, इट फ्लोज थ्रू मणिपुर एंड मिजोरम। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबव करेक्ट? ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली, ऑप्शन बी टू एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बताइए। अभी हमने पढ़ा है कुशीराया रिवर के बारे में, सो ट्रांस बाउंड्री रिवर दैट इज करेक्ट, ओके, देन इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ बराक रिवर दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इट फ्लोज थ्रू मणिपुर एंड मिजोरम, ओके। नाउ अभी मैंने आपको बताया द वॉटर इवेंचुअली फॉर्म द कुशीराया, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द अपलैंड ऑफ द स्टेट ऑफ असम एंड दिस पिकअप ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नागालैंड एंड मणिपुर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। यहाँ पर आप सोल्यूशन देख सकते हैं, कुशीराया रिवर ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर बिटवीन बांग्लादेश एंड आसाम इन इंडिया। सो इट फॉर्म्स इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एज ए ब्रांच ऑफ बराक रिवर। तो जब बराक रिवर सेपरेट होती है इंटू कुशीराया एंड सूरमा रिवर में, एंड द वाटर ऑफ कुशीराया रिवर ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड पिक्स अप ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम मणिपुर मिजोरम एंड आसाम। क्लियर? तो वाटर जो है कुशीराया का ओरिजिनेट होता है इन द स्टेट ऑफ नागालैंड इन इंडिया, एंड ये ट्रिब्यूटरीज कहाँ से लेता है? मणिपुर मिजोरम एंड आसाम से। कुशीराया फ्लोज वेस्टवर्ड, याद रखिएगा इट फ्लोज वेस्टवर्ड, जो कि बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन आसाम एंड सिलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। क्लियर एवरीवन? तो ये मैप भी मैंने अभी आपको दिखाया था, ये मैप आप देख सकते हैं। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी पिछले एक साल में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको चीजें जो लाइक कुशीराया रिवर एंड रेलवे लिंक्स, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो अब अनदर सेशन, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कुछ साउथ एशिया, ओवरऑल साउथ एशिया से रिलेटेड फैक्ट्स एंड पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।